सब्सक्राइब करें जुम्मा किचन को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपके पास सबसे पहले फ्री में पहुंचें। वेलकम टू जुम्मा किचन। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं एक चिकन का बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान स्नैक जो कि आप बहुत ही झटपट बना सकते हैं। तो इसका नाम है चिकन चीज़ी बोटी। बहुत सिंपल ये रेसिपी है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो आइए हम देख लेते हैं कि हमें इसके लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो आधा किलो मैंने बोनलेस चिकन लिया है और मैंने थाई का लिया है, आप चाहें तो ब्रेस्ट का भी ले सकते हैं। और मैंने इसके मीडियम साइज़ के पीसेस कटवा लिए हैं। चिकन मैंने धो के छलनी में डाल दिया था, अब इसका पानी बिल्कुल निचड़ चुका है। 3 टेबलस्पून मैंने ली है दही और 1 टेबलस्पून मैंने ली है हरी मिर्च, इसको मैंने मिक्सी में दरदरा सा कूट लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने लिया है फ्रेश नींबू का जूस, आप इसकी जगह वाइट विनेगर भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने ली है पिसी हुई काली मिर्च, ये भी मैंने फ्रेश ही पीसी है। 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने नमक लिया है। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। तो सबसे पहले हम अपने जो चिकन है इसको मैरिनेट करेंगे। तो मैरिनेट करने के लिए हम जितने भी हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं एक एक करके सब इसके अंदर डाल देते हैं। तो सबसे पहले मैं डाल देती हूँ दही, हरी मिर्च, नमक, लेमन जूस, पिसी हुई काली मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, रेड चिली पाउडर और ये जिंजर गार्लिक पेस्ट। सभी चीज़ें मैं बहुत अच्छे से चिकन में मिक्स कर देती हूँ और इसको तकरीबन मैं आधा घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देती हूँ। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको उसी टाइम भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको आधे घंटे के लिए इसी तरह छोड़ देती हूँ। तो आधा घंटा हो गया है, हमारा चिकन मैरिनेट हो गया है। अब हम देख लेते हैं हमें कुछ और चीज़ें जो चाहिए वो मैंने लिया है। यह है हमारे पास मोज़रेला चीज़, आप इसके साथ शेडर भी मिला सकते हैं लेकिन मैंने सिर्फ मोज़रेला ही ली है और इसकी क्वांटिटी भी आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने ये 3/4 कप के करीब ली है और इसको मैंने ग्रेट कर लिया है। थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च ली है और थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया लिया है। तो आइए अब हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है और पैन के अंदर मैं डाल देती हूँ 2 टेबलस्पून बटर, आप इसको ऑयल में भी बना सकते हैं। तो बटर को थोड़ा सा मैं मेल्ट होने देती हूँ और अब हम इसके अंदर डाल देते हैं ये अपना मैरिनेटेड चिकन और इसको कुछ मिनट के लिए हम मीडियम फ्लेम पर पकने देते हैं। जब तक कि जो चिकन है वो अपना पानी नहीं छोड़ देता और थोड़ा सा इसका कलर चेंज नहीं होता। मिनट हुए हैं और चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया है, तो मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ और इसको कवर बिना कवर किए ही इसी तरह से पकाऊंगी। हमें जो चिकन की स्मेल है उसको ख़त्म करना है, इसलिए हम इसको इस तरह से चलाते हुए पकाएंगे। पानी इसका हमें ड्राई करना है। वैसे तो बोनलेस चिकन जल्दी ही पक जाता है, इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए चिकन का जो है पानी है वो ड्राई हो गया है और इसमें से जो मैंने बटर डाला था वो भी अलग हो गया है। तो अभी हमें इसे गलाना भी है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, बहुत थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और अब हम इसे कवर करके 10 मिनट के लिए पकने देंगे या फिर जब तक कि हमारा जो चिकन है वो अच्छे से टेंडर नहीं हो जाता। तो 10 मिनट हो गए हैं और ये देखिए हमारा चिकन जो है वो कितना खूबसूरत हो गया है, इसका पानी भी ड्राई हो गया है और इस पर अच्छा कलर भी आ गया है। तो अब हम इसके ऊपर डाल देते हैं अपनी ये मोज़रेला चीज़, आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, फ्लेम मेरी अभी भी लो है। बच्चों को चीज़ ज़्यादा पसंद है तो मैं थोड़ी ज़्यादा ही डाल रही हूँ।
बस अच्छे से चिकन को ये कवर कर ले। बारीक कटा हरा धनिया, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, ताकि जो हमारी चीज है उसका जो फ्लेवर है थोड़ा सा बढ़ जाए, वरना चीज का थोड़ा फीका फीका ही फ्लेवर आता है बस। और अब मैं इसको कवर करके 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देती हूँ, ताकि जो हमारी चीज है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। हो गए हैं और हमारी चीज जो है वो बहुत जबरदस्त मेल्ट हो गई है, और कितना खूबसूरत हमारा चिकन चीजी बोटी नजर आ रही है। तो आप इसको खा सकते हैं इसी तरह से, या फिर पराठे के साथ, या फिर आप जिस तरह से चाहें इसको खाएं। बहुत ही जायकेदार, बहुत ही ज़बरदस्त। एक बार ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।